जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 के धनु राशिफल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटे का बटन है उसे दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक सबसे पहले। दोस्तों ये जो सप्ताह होगा विशेष फल देने वाला होगा। इस सप्ताह में गुप्त नवरात्र होंगे और दो ग्रहों का परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा और 17 जुलाई को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। और सप्ताह के शुरू के 3 दिनों में बुद्धादित्य युग का निर्माण होगा, यानी बुध और सूर्य एक ही घर में विराजमान होंगे। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मन वांछित फल प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं और इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के बारे में खूब ध्यान रखेंगे, क्योंकि लग्न पर सूर्य की दृष्टि होगी तो यह शक्ति लाएगा जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह ऋण के छठे भाव में राहु के प्रभाव के कारण आपके पास धन तो होगा परंतु किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक से या किसी संस्थान से ऋण या कर्जा लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो ऐसा करने से बचें, खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान बच्चों के ग्रह स्वामी कमजोर रहेंगे। संभव है कि उनके साथ आपके विचारों का मतभेद उत्पन्न हो जाए जिससे आप अपना धैर्य खो दें और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, तो ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ऐसा करने से बचें। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी के लिए ऑफर मिल सकते हैं। इस सप्ताह पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान केवल मेहनत करके ही आप सही परिणाम लेने में कामयाब होंगे। शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर हो जाएंगी, जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। अध्ययन का स्वामी मंगल गहराई के भाव में होगा, जिससे इस समय आपका मन सहज रूप से अपनी शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस कर सकता है, जिसे देख आपके घर वाले भी आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इस समय उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका ज़्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा और प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह अच्छे परिणाम देने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके अंदर ऊर्जा का स्तर उच्च होगा। आप अपने कार्यों को पूरी जोश और मेहनत के साथ समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे, जिससे आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। जय माता दी। दोस्तों